हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज मैं आपके साथ यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग को नहीं सब्सक्राइब किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। तो अभी चलते हैं प्रिंसिपल्स जो डिस्कस करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। पहला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है, बच्चे मैक्सिमम कमांड के साथ इसको में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कमांड में तो है कि ऑर्डर देना, तो वो यहाँ पे एक हेड एक जो इम्प्लॉई को ही जो है ऑर्डर दे सकता है, वो ये चीज़ इस प्रिंसिपल में लिख देते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, इसको दूर करने के लिए एक छोटा सा जो है आपको वर्ड्स याद रखने हैं। अगर वो याद हो गए, आप कभी नहीं भूलेंगे कि इस प्रिंसिपल में क्या है। ये देखिए, मैंने लिखा है वन यू वन एच वन पी। तो आपने वन वन तो आपको याद है, आपने याद रखना है यू एच पी। आई रिपीट, यू एच पी। यू मतलब यूनिट, कोई डिवीज़न, कोई डिपार्टमेंट। यूनिट मतलब कोई भी डिवीज़न, कोई भी डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसे। लेकिन अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग डिवीज़न हो सकती हैं। ए डिवीज़न में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, बी डिवीज़न में जो है एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो वहाँ की सभी की वर्किंग जो है एक डिपार्टमेंट की एक जैसी होती है, वहाँ पे एक जैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो उस डिपार्टमेंट, उस यूनिट, यू से यूनिट आपने याद रखना है, उस यूनिट में अगर आप चाहते हैं सभी की एफर्ट्स जो हैं, उस डिपार्टमेंट की, पर्टिकुलर डिवीज़न की, सभी की एफर्ट्स एक दिशा में हो, डायरेक्शन का मतलब है उनको दिशा देना, उस डिपार्टमेंट की एफर्ट्स अगर एक दिशा में जो है चाहते हैं आप, ताकि गोल्स अचीव हो पाएँ, देन आपको ये दो चीज़ें करनी है, एच और पी। तो एच से क्या है, एक यूनिट में एक ही हेड होना चाहिए, एक यूनिट में एक ही हेड। मान लीजिए ये एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, है ना, तो जहाँ जो कोई भी डिवीज़न है मान लीजिए, है ना, इसको अगर दो हेड डायरेक्ट कर रहे हैं, दो हेड्स जो हैं इसके ऊपर जो है डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप ऐसा करें या ये करिए, तो जो इन एम्प्लॉयज़ की एफर्ट्स हैं एक दिशा में नहीं जा सकती हैं, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। तो इस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो भी एक ही होना चाहिए, इस यूनिट का हेड है एक होना चाहिए। सेकंड थिंग, पी। पी से, पी का क्या मतलब है, प्लान। अब मान लीजिए एक हेड है, वो इस डिपार्टमेंट की वर्किंग को लेके अगर दो तीन प्लान्स लेके आया है और उनके साथ ही आगे बढ़ रहा है, उसको नहीं पता प्लान ए के साथ करें, काम बी के साथ करें या सी के साथ करें, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी कंफ्यूज रहेंगे कि किस प्लान के साथ आगे बढ़ना है। ए प्लान जो है आप की एफर्ट्स जो है आपकी दिशा एक कर देगा, बी प्लान जो है आपको किसी और दिशा में लेके जाएगा। तो आपके वहाँ पे एफर्ट्स जो हैं एक दिशा में नहीं होंगी और गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो अगर आप लोग जो मैनेजर हैं वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ की एफर्ट्स एक ही दिशा में हो, एक यूनिट से रिलेटेड, ताकि गोल्स अचीव हो सकें, तो उस यूनिट का हेड भी एक होना चाहिए और उस यूनिट के जो प्लान है वर्किंग का, काम करने का प्लानिंग है, प्लान भी उस काम के लिए एक ही होना चाहिए। ऐसा हेनरी फ्योल ने सुजेस्ट किया है। आप अगर इसको अपनी स्टडी में देखें, आप प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपनी स्टडी में इस प्रिंसिपल को देखें, आप एक दिन के लिए कुछ ए प्लान रखते हैं, दूसरे दिन के लिए बी प्लान रखते हैं, नहीं आज मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ,
सेकेंड डे में नहीं ये प्लान के साथ पढ़ता हूँ, पहले सारी एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे दिन आपको लगता है सैम्पल पेपर करने चाहिए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। डायरेक्शन जो है, दिशा जो है आपका गोल अचीव करने की तरफ, वो नहीं रहेगी। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में है। सो अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि आपको जो नुकसान हो सकते हैं दैट इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। एफर्ट्स के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, इसके एफर्ट्स किसी और दिशा में होंगी, इस एम्प्लॉय की एफर्ट्स किसी और दिशा में होंगी, ए प्लान आपको एक जगह तक लेके जाएगा, बी प्लान बी जो है दूसरी साइड लेके जाएगा, तो एक डायरेक्शन में कभी भी नहीं जा पाओगे। सेकेंड वन इज़ वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे वेस्टेज हो जाएगी क्योंकि एफर्ट्स सभी की यूनाइटेड नहीं है, तो आपस में किसी का कोऑर्डिनेशन भी नहीं है कि कैसे बढ़ना है। तो जब कोऑर्डिनेशन नहीं था फर्स्ट स्टेप में, देन सभी की एफर्ट्स, वो कितनी भी मेहनत करते जाएं वो भी वेस्ट है। बेशक ये एम्प्लॉयज़ बहुत हार्ड वर्क कर रहे हों, लेकिन उनका अगर हेड एक नहीं है, प्लान एक नहीं है, तो वो कभी भी गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। सब कुछ वेस्ट है, टाइम भी, एनर्जी भी, एफर्ट्स भी, पैसा भी और अदर रिसोर्सेज भी वेस्टेज हो जाएगी उनकी। उसके बाद लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं, फिर ये अचीव नहीं होंगे। और ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको जो है हेड और प्लान एक ही रखना है एक यूनिट के लिए। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए फर्स्ट स्टेप उठाना, अंदर से मोटिवेट होना, सेल्फ मोटिवेटेड होना कि मुझे ये काम करना है। जैसे आप प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं, आपको टीचर जितना भी बोले कि आपको पढ़ना है, 90 प्लस लेने हैं, जब तक आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है ना कि हमें पढ़ना है। जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं अगर रेडी नहीं है, अंदर से वो रेडी नहीं है, उनके अंदर से ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता है मुझे ऐसे पढ़ना है, मुझे ये करना है, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही इम्प्लॉयज़ हैं, अगर इम्प्लॉयज़ सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, उनके मन से ये आवाज़ नहीं आती है कि मुझे काम करना है, देन जो मैनेजमेंट है उनसे काम किसी भी हालत में करवा ही नहीं सकती है जैसे वो चाहती है। तो अगर मैनेजमेंट को उनसे काम करवाना है तो कैसे सेल्फ मोटिवेटेड करेगी वो उनको? सबसे पहले तो इम्प्लॉयज़ को कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उनके सुजेशंस ले ले कि हम ये करना चाहते हैं, आप बताइए क्या क्या जो है सुजेशंस हैं, कैसे इसको बेस्ट वे से किया जा सकता है। हो सकता है जो डिसीज़न मैनेजमेंट लेना चाहती हो, वर्कर्स भी वही डिसीजंस के लिए सुजेशंस दे दें। तो जब वो मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करेगी वो डिसीज़न, देन इम्प्लॉयज़ को ये लगेगा कि ये डिसीज़न उनके द्वारा लिया गया है और वो उस डिसीज़न को सही करने के लिए, उनको लगेगा ये हमारा डिसीज़न है, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे कि हमें इस डिसीज़न को सही करना है और सारी एफर्ट्स लगानी है। और सेकेंड वन, अगर वो चाहते हैं कि बाय चांस कोई भी डिसीज़न आ गया, चाहे मैनेजमेंट ने लिया, चाहे वो इम्प्लॉयज़ के सुजेशन से लिया, फाइनल डिसीज़न मैनेजमेंट का ही होता है ना, तो इम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दे देना जो भी डिसीज़न है, जो भी प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए फ्रीडम दे देना। या तो वो वर्कर्स को प्लान बनाने के लिए भी फ्रीडम दे सकती है कि वो अपने काम के लिए खुद प्लान बना ले, या फिर अगर प्लानिंग मैनेजमेंट ने उनको दी है कि ऐसे काम करना है, देन उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उस प्लान को कैसे सफल करना है, उसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, ये इसके लिए वो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को फ्री छोड़ सकती है, जिससे क्या है उनके स्किल की डेवलपमेंट होगी और वो अपना काम जो अपने तरीके से करेंगे और उन वो अपना 100% देंगे। तो ऐसे जो है एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी मैनेजमेंट में, मतलब हम इनडायरेक्टली बोलें तो यहाँ पर हेनरी फ्योल ने एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन जो है उसको इनवाइट किया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाओगे
तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे आपके, और इससे क्या है वो हर संभव कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर जो है एम्प्लॉयज़ की सजेशंस जो हैं वो नहीं एक्सेप्टेबल हैं, मैनेजमेंट कोई अपना डिसीज़न इम्प्लीमेंट कर देती है, एम्प्लॉयज़ की सजेशंस उनको लगता है कि सही नहीं है, देन एम्प्लॉयज़ को वही डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करना है जो भी मैनेजमेंट ने लिया है। तो यहाँ पे अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो पॉजिटिव रिज़ल्ट क्या आते हैं कि वर्कर्स जो हैं अपनी बेस्ट एबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, वो 100% देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी मेहनत करेंगे, और इसके साथ साथ ही ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है जहाँ आपस में कॉपरेशन है वो भी बढ़िया हो जाएगा, और मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में भी ये चीज़ काम करेगी। कैसे मोटिवेशनल फैक्टर? बाई चांस किसी की सजेशन एक्सेप्ट हो जाती है ना, तो उसको अपनी इम्पोर्टेंस उस ऑर्गेनाइजेशन में रियलाइज़ होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा अपना है, यहाँ पे मेरे डिसीज़न जो हैं इम्प्लीमेंट होते हैं। और इवन अगर जो मैनेजमेंट है जिसने भी बेस्ट सजेशन दिया है उसको रिवॉर्ड दे देती है, तो ये चीज़ जो है आगे भी इम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगी कि वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, जिनको इम्प्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी वर्किंग को और भी बढ़िया बना सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट और इम्प्लॉयज़ दोनों के बीच के रिलेशंस भी स्मूथ हो जाते हैं। अगर वर्कर्स बहुत हार्ड वर्क वाले हैं और कैपेबिलिटी है उनमें और क्रिएटिविटी जो है नए नए लाते हैं अपने आइडियाज़ में, देन उसका बेनिफिट तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करके उठा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये दोनों प्रिंसिपल्स क्लियर हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल पे जाके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अदर प्रिंसिपल्स भी देखना चाहते हैं हेनरी फ्यूल के, देन आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं।